all 18 कैरेट गोल्ड। वंडरफुल। कितने का ये है? ये पड़ेगा 3,500। अच्छा, वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन एन हेलीकॉप्टर राइड। ये हेलीकॉप्टर राइड हम लोग कर रहे हैं अमरनाथ जी की यात्रा के लिए। और हाँ, हेलीकॉप्टर राइड के लिए हेलीपैड मैंने लिया है बालटाल के यहाँ से। बेसिकली सोनमर्ग और बालटाल के बीच में हेलीपैड आता है, जो बोलते हैं नीलग्रथ, नीलग्रंथ भी बोलते हैं और नीलाग्रथ भी बोलते हैं। तो अगर आपको अमरनाथ जी की यात्रा के लिए जाना है तो आप दो तरफ से जा सकते हैं, या तो पहलगाम से या तो बालटाल की तरफ से। यहाँ से बालटाल का बेस कैम्प, जहाँ से लोग ट्रैक करने के लिए या अदरवाइज जाएंगे, तो जो बेस कैम्प है वो करीबन 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है, मतलब सोनमर्ग और बालटाल के बीच। आपको हेलीपैड के एंट्री काउंटर पर RFID बनाना है, जिसके लिए आधार कार्ड और टिकट दिखानी होगी। रजिस्ट्रेशन परमिट इज नॉट रिक्वायर्ड। नीलग्रंथ हेलीपैड पर पार्किंग, बाथरूम, टॉयलेट, टेंट, भंडारे की भी व्यवस्था है। तब दोस्तों, अगर आपको हेलीपैड की सेवा लेनी है तो आप ऑनलाइन ही बुकिंग कर सकते हैं, ऑफलाइन बुकिंग अलाउड नहीं है। तो ऑनलाइन बुकिंग के लिए आपको यहाँ पर मैं जो लिंक दे देती हूँ उसमें जाकर के आपको बुक करना होता है, रजिस्टर करना होता है। लॉगिन कीजिए, रजिस्टर कीजिए और फिर आप बुक कर सकते हैं। देख लीजिए कि स्लॉट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बेसिकली स्लॉट जो है सुबह के 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक रिटर्न के होते हैं। मैंने भी मॉर्निंग का स्लॉट लिया हुआ है। अभी 10 बजे हैं क्योंकि मैं पहलगाम से आई हूँ। आप लोगों को बालटाल से जाना है तो नीलग्रथ से लेकर पंचतरनी तक हेलीपैड की सेवा होती है और फिर पंचतरनी से अराउंड 6 किलोमीटर का ट्रैक करना होता है होली केव तक का। हेलीकॉप्टर के बेसिकली रेट्स जो हैं वो होते हैं, अगर नीलग्रथ से मतलब बालटाल साइड से आप पंचतरनी तक जाते हैं तो वन साइड 2,800 एंड टू वे टू एंड फ्रो हो जाएंगे 5,600। अगर पहलगाम साइड से जाते हैं तो आपको पहलगाम टू पंचतरनी रेट लग जाते हैं 4,200 वन वे और टू वेज हो जाएंगे 8,400। इतना ध्यान रखना है कि रूल्स, एज जो है सबके, जिस तरीके से अमरनाथ यात्रा में एज है 13 इयर्स के बिलो बच्चों को नहीं ले जाया जा सकता है, उसके ऊपर ही जा सकते हैं। और प्रेग्नेंट लेडी 8 मंथ्स प्रेग्नेंट होंगी तो वो नहीं जा सकती हैं। अब आपको वजन के बारे में बता दें कि कितना वे होना चाहिए आपका। बेसिकली ये डिपेंड करता है कि एयरक्राफ्ट जो है कितना वेट ले सकता है, लेकिन आपका लगेज जो है 5 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जो नीलग्रथ से एयरक्राफ्ट चलती है वो है एरो एयरक्राफ्ट और ग्लोबल एयरक्राफ्ट, और उसके अलावा पहलगाम से जो एयरक्राफ्ट चलती है वो है हेरिटेज एयरक्राफ्ट, हेरिटेज एविएशन नाम है। 7 मिनट्स लगते हैं। वैसे बालटाल का जो ट्रैकिंग रूट है वो है फुल 14 किलोमीटर का डोमेल होते हुए, और उसी रूट से हमारा भी हेलीकॉप्टर जाएगा। हेलीकॉप्टर्स चलते हैं वेदर कंडीशन के हिसाब से। कल बहुत बारिश थी और आज भी बारिश है, लेकिन ये है कि मौसम ठीक हो गया है इसीलिए हेलीकॉप्टर्स चलने लग जाते हैं। तो इसलिए वेदर कंडीशन के हिसाब से आपकी टिकट्स कैंसिल भी हो सकती हैं। ओके गाइस, तो ये था मेरा बोर्डिंग पास वन वे का जो यहाँ पे इन लोगों ने चेक किया। मैं पहुँच चुकी पंचतरनी, यहाँ पे क्या नीलग्रंथ से मैं पहुँच गई पंचतरनी। हार्डली 4 मिनट्स लगे मुझे उस हेलीपैड से इस हेलीपैड में आने के लिए। अगर आप हेलीपैड सर्विस लेते हैं तो आप पंचतरनी तक, चाहे पहलगाम हो, चाहे बालटाल से हो, नीलग्रंथ से हो, तो आपको पंचतरनी आना है। पंचतरनी से 6 किलोमीटर का ट्रैक है वॉकिंग। पोनी मिल जाती है, पालकी भी मिल जाती है, पर मैं वॉक करके जाऊंगी। और हमें 3 किलोमीटर ट्रैक करना है संगम टॉप तक का, और फिर हमें नीचे की ओर 3 किलोमीटर होली केव तक जाना है। ओके, आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि 3 बजे यहाँ का जो चेक पोस्ट, पंचतरनी का चेक पोस्ट बंद हो जाता है। तो चाहे आप पहलगाम के ट्रैक रूट से आ रहे हो या चाहे आप हेलीकॉप्टर से पंचतरनी से ही जा रहे हो, अगर आप 3 बजे के बाद जा रहे हैं तो आपको जाने को अलाउड नहीं होगा। लंगर भी है यहाँ पर, ओके। और पंचतरनी में आपको टॉयलेट की फैसिलिटी, कैम्प्स की फैसिलिटी, टेंट्स की फैसिलिटी सब मिल जाती है, और हॉस्पिटल की फैसिलिटी ये भी मिल जाती है। किसी को भी हाई एल्टीट्यूड सिकनेस का प्रॉब्लम हो तो वो भी सॉल्व होता है। और गर्म पानी की सेवा भी यहाँ पर मिलती है, तो अगर किसी को नहाना धोना है तो वो भी कर सकते हैं, 50 रुपये एक बकेट। और ये है बैरिकेड, यहाँ से हम बाहर की ओर जाएंगे भाई। या तो अगर आप पोनी लेते हैं पंचतरनी से गुफा तक के लिए तो फिक्स रेट है 1500, रिटर्न का 2700। अभी बजे 12:07, देखते हैं मुझे कुल 12 किलोमीटर तय करने हैं, जाती 6 आती 6, जिसमें स्टीप क्लाइंब 2 किलोमीटर का है। किसी भी हालत में मुझे 5 बजे से पहले यहाँ आना चाहिए। पंचतरनी में जो कैंपिंग फैसिलिटी होती है वो फैसिलिटी आपको 300 रुपये से लेकर 500 रुपये तक में आपको शेयरिंग मिल जाएगी। और पालकी का 3000 रुपये लेते हैं जाती वन वे, आना जाना 6000। अच्छा, आना जाना 6000 लेते हैं। बारिश हो गई है 2 दिन, इसलिए देखिए कीचड़ है तो कीचड़ से भी बचना होगा। और मुझे लग रहा है बारिश होने वाली है, तब तब पानी गिर रहा है। कितना खूबसूरत लग रहा है। और पता है आपको, हम लोग थे पहलगाम में और हमारी टिकट पहलगाम से हो नहीं पा रही थी, हेलीकॉप्टर की बालटाल से हुई थी, तो हमें रात को 2 बजे निकलना पड़ा। लेकिन पहलगाम से बैरिकेड जो है वहाँ से अलाउ नहीं करते हैं, उस वजह से हमें 5:30 बजे तक बैरिकेड के अंदर रहना पड़ा। 5:30 के बाद हम लोग पहलगाम से सोनमर्ग की ओर आए, और फिर मैंने ये हेलीकॉप्टर राइड ली। जाम हुआ है पूरे रास्ते में। पंचतरनी से अक्सर संगम टॉप पर जाम बना ही रहता है, नैरो रोड, इस वजह से। जय बोले। बस संगम टॉप पास में ही है, बहुत दूर नहीं है, हार्डली 100 मीटर की दूरी है। थोड़ा हवा में ठंड है, इसलिए थोड़ा आपको लग रहा है ना। थैंक यू। जब मैं फ्लाइट में बैठी थी धूप थी कड़ाके की, और यहाँ देखो ठंडा है। दिख रहे हैं, इन लोगों को रोक दिया गया है और यहाँ पे इनफ जगह है आने जाने के लिए। वेरी गुड। अच्छा, जय बोलेगी। यहाँ पे सारे जो जवान हैं यहाँ पर सबकी सेफ्टी का ध्यान रख रहे हैं। वो इवन ये भी ध्यान रख रहे हैं कि क्यों रेगुलराइज हो, ताकि किसी को भी दिक्कत ना आए। तो सारे पुलिसकर्मी, सारे ITBP के जवान, CRPF के जवान, आर्मी के जवान, BSF के जवान, आई एम सो थैंकफुल टू यू। हाय, जय भोले। 1 घंटे में मैंने हेलीपैड से जो है संगम टॉप कवर कर लिया। वंडरफुल, दैट्स एन अचीवमेंट। बोला गलत तो क्यों ना बोले। डॉन विल बी वेरी प्राउड। तो देखिए सामने से जो लाइन आ रही है वो बालटाल से आ रही है और ये संगम टॉप वाली है और दोनों का संगम जहाँ पर होता है क्योंकि वहाँ से ही जो घोड़े वाले होते हैं वो उस रूट से नीचे से यहाँ पर मिल जाते हैं और इसीलिए ये संगम टॉप है। अब नीचे जाना है और उसका मेरा टारगेट है विदिन 15 to 20 मिनट्स नीचे। ने बढ़िया से मैनेज किया हुआ अभी। ये जो नीचे जा रहे हैं ये बालटाल के लिए है। वेल बारिश होने लग गई और रेनकोट पहनना पड़ रहा है। चलिए चलते जाइए, चलने वाले। देखिए कीचड़ कीचड़ है, संभाल के चलना है, हड़बड़ाना नहीं है। वो देखिए वहाँ पर वो बहुत ही भयंकर लैंडस्लाइड हुई है बालटाल वाले साइड से। गुफा बहुत ही पास में है यहाँ पर और करीबन समझ लीजिए 1 किलोमीटर पहले हुई है। और ये है घोड़ों का कैंप। यहाँ तक घोड़े आएंगे, थोड़ी और दूर तक आ सकते हैं और फिर आपको पैदल जाना है। यहाँ है हमारे सब्सक्राइबर जो वीडियो देखकर शायद आए। आंध्र प्रदेश से ना है मेरा। ओके हम आपको बहुत मिस करते हैं, देखा आपको बहुत ज़्यादा। वो देखिए गुफा, भोले बाबा वहीं विराजे हुए हैं। 15 मिनट बोला था, वहाँ लैंडस्लाइड हो गई, फिर दूसरी तरफ से मैं क्रॉस करके आई, टाइम लग गया, 1 घंटा लग गया। मीटिंग सब्सक्राइबर्स, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं। आपका नाम? चंडीगढ़। ओके यहाँ पे आपको पूजा की सामग्री, रहने के लिए टेंट, बारिश घमासान हो रही है और यहाँ पे जो बैरिकेड दिखाई दे रहा है जहाँ पे CRPF वेलकम कर रहा है, ये वही बैरिकेड है जिसके आगे आपको आपके कैमरास, मोबाइल, एवरीथिंग आपको बाहर रख देने हैं और आपके बैग्स भी रख देने हैं। और वो सारे बैग्स आप इवन दुकानों में भी रख सकते हैं। वहाँ से अगर पूजा सामग्री लेते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, या आपके टेंट में रख सकते हैं। उनको बोल सकते हैं आप कि उसकी सिक्योरिटी करें, लेकिन मोस्टली अच्छा ही आप अगर किसी दुकान में रख दें तो, या क्लॉक रूम में रखें। यहाँ पर क्लॉक रूम भी है जस्ट जहाँ बैरिकेड है उसके ही बगल में। दोस्तों आप लोगों के लिए फिर से एक बार भोले बाबा के दर्शन करवा रही हूँ। जय बाबा बर्फानी, भूखे कौन प्यासे को पानी। और यहाँ पे माता पार्वती, गणेश जी और शिव जी विराजे हुए हैं, उनके भी दर्शन लेते हैं। चलिए सर। की तरफ क्या क्या फैसिलिटीज़ है उसके बारे में भी मैं अलग से व्लॉग बनाऊंगी और वो भी आप देख लोगे। वो भी व्लॉग बन चुका है बेसिकली और अभी हेलीपैड का व्लॉग पहले आएगा और उसके अलावा बैक ट्रैक बालटाल भी आएगा। तो एक ओवरऑल मैं बता दूँ कि यहाँ पर भंडारे हैं, अच्छे अच्छे भंडारे हैं। मेरे पास टाइम नहीं है भंडारा खाने का क्योंकि 4 बज चुके हैं और मुझे लौटना है। बारिश हो गई है, सब भीड़ बहुत है, उसमें चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। अच्छा अब यहाँ पर अगर आपको टेंट लेना है तो आपको टेंट अराउंड 300 रुपये से 500 रुपये तक आपको टेंट मिल जाएगा। और अगर आपको प्राइवेट टेंट लेना है तो अगर आप थोड़ा बार्गेन करेंगे तो आपको आइडियली 1000 के आसपास में टेंट मिल सकता है। अगेन इट डिपेंड्स ऑन द रश, हर जगह पर यही है। सबसे महंगा बालटाल है, गेट 1 के पास। आगे चले। और हाँ गर्म पानी यहाँ पर भी मिलता है, 50 रुपये में मिलता है। ज़्यादा पे करने की ज़रूरत नहीं है। नहाने के लिए 1 बकेट और यहाँ पे प्रसादी सब जगह पर मिलती है, आप ले सकते हैं। देखिए रश कितना है, बहुत सही है ये। भीड़ देखिए, रेगुलर हम सामने से जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड से बालटाल से जाएंगे। यहीं पर आपको रेट चार्ट लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पोनी का, पिट्ठू का एंड इवन फॉर पालकी। तो चाहे आप बालटाल जाना चाहते हैं या पंचतड़ी हेलीपैड तक, तो यहाँ से मिल जाएगा। कीचड़ी कीचड़ है। ये मैं आपको कंप्लीट जर्नी दिखा रही हूँ, नीलग्रथ बालटाल से लेकर पंचतरणी और होली केव और फिर बैक जर्नी, ताकि आपको आइडिया हो जाए क्या कैसे करना है पहाड़ की साइड में और कितना टाइम लग सकता है। बाप रे बाप, बालटाल से जाने वालों का क्यों देखते। अरे अब धक्का मत मानो। तो देखिए मोस्टली लोग क्या करते हैं, पहलगाम से आते हैं और बालटाल से उतरते हैं। तो होली केव से बालटाल की और अगर डोमेल तक जाते हैं तो 12 किलोमीटर, फिर डोमेल से बेस कैंप तक, गेट नंबर 1 तक, चेक पोस्ट तक जाते हैं तो और 2-2.5 किलोमीटर। हर क्लाइमेट का, हर वेदर का अपना चैलेंज। धूप हो तो धूल होगी, अगर बारिश हो गई कीचड़ होगा। ये सब बालटाल जाएगा ना। जय बोले की। पहुँच गई मैं संगम टॉप पर। होली केव से संगम टॉप 3 किलोमीटर और बालटाल की लाइन उस तरफ। ओके गाइस, पहुँच चुकी हूँ पंचतरणी 6 बजे, मतलब मुझे कुल 5.25 घंटे लगे जाके आने में। यहाँ पे सीन ये है कि बारिश के कारण हेलीकॉप्टर की सेवा अभी स्थगित कर दी गई है। आई डोंट नो अभी चलने वाली है कि नहीं। वैसे 6:45 तक चलती है। आई डोंट नो, अगर एक आधा चल जाए मेरे लिए, और अगर नहीं तो फिर मुझे यहीं रुकना पड़ेगा और कल सुबह 6 बजे निकलना पड़ेगा। ओ वाह, देखिए आज का मेरा कुशन ये है, भंडारा का खाना और पापड़, फुलके, सेवैयाँ। ये किस चीज़ के लड्डू है? ये पिन्नी है ना, हाँ ये पिन्नी। एंड दिस इज बीकानेर बड़ी बोलते हैं। अच्छा, चना है ये तो। गुड मॉर्निंग, दिस इज अर्ली मॉर्निंग और ये डे 2 है मेरा हेलीकॉप्टर राइड में। तो कल तो आप लोगों को पता है क्यों नहीं हो पाई हेलीकॉप्टर राइड बैक की, क्योंकि हम वेदर कंडीशन में फंस चुके थे। और अभी सुबह के बजे हैं 6। वेल वैसे तो नीलग्रथ के हेलीपैड की भी ब्यूटी बहुत खूबसूरत है, लेकिन पंचतरणी के हेलीपैड की ब्यूटी है। लेकिन वहाँ पे बर्फीले पहाड़ पीछे दिखाई दे रहे हैं और बस पिछली उस तरफ थोड़ा सा जाएंगे तो शेषनाग के पहाड़ है। और ये है पैसेंजर वेटिंग एरिया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ग्लोबल है और एरो है, और ये दोनों के काउंटर्स आपको पंचतरणी में यहाँ पर मिल जाएंगे, जहाँ पर से आपको बोर्डिंग लेनी होती है जब आप लौटते हैं। तो डिफरेंट है लेकिन ऑल टुगेदर सेम, और इसमें अमरनाथ जी का नाम लिखा हुआ है। वेल अगेन मैंने बैग ले लिया। बैग हमारे पास नहीं रहते हैं और बैग हमें नीचे रख लेने होते हैं। मैं अभी जिस एयरक्राफ्ट में आई हूँ उसका नाम है तुम्बी। तुम्बी का मतलब है ड्रैगन फ्लाई। यहाँ पर एरो एयरक्राफ्ट जो है उनका कंसोशियम है तुम्बी और कैस्ट्रल, इनके साथ, और एरो एयरक्राफ्ट इनका है। तो ये सारे यहाँ पर फ्लाई करते हैं। ओके अरे सब्सक्राइबर आल्सो डॉन छूटा हुआ था यहाँ पर। बस कल भंडारे में मैं आया। ओह अच्छा, सब्जियों के बीच। आप जब हेलीपैड की ओर आते हैं नीलग्रंथ में तो यहाँ पे तिरंगे के साथ आप देख रहे हैं शिव गौरी सेवा मंडल का तिरंगे वाला भंडारा है। और यहाँ पर आप खाना वाना नाश्ता वाश्ता कुछ कर सकते हैं। अभी तो बेसिकली सब सो रहे हैं। हेलीपैड के यहाँ आप आते हैं तो यहाँ पर पार्किंग लॉट काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे आपकी कार पार्क करते हैं तो 50 रुपीज़ आपको पे करने हैं 24 घंटे के लिए। श्रीनगर सोनमर्ग के बीच में मामर पे कश्मीर आर्ट शॉप पर आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, जहाँ पर आप बेहतरीन पेपर माशे, कानी आर्ट और कई सोवेनियर्स घर ले जा सकते हैं। एक्सट्रीम रोड्स का नाम ले लीजिएगा, डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और दैट्स इट, दिस वाज अ राइड एंड दिस इज सोनमर्ग, ब्यूटीफुल। और इस पर्टिकुलर स्पॉट को वंस अगेन बता दी हूँ, नीलग्रथ बोलते हैं या नीलग्रंथ बोलते हैं। This is Vashaali for the people, by the people, of the people, and I love you all और hope आप लोगों को ये vlog भी पसंद आया होगा।